इस वीडियो में हम बात करेंगे चीपेस्ट आर्टिक्स 4050 गेमिंग लैपटॉप के बारे में, और इसका जो प्राइस है 98,000 है, और ये आता है MSI की तरफ से, MSI साइबॉर्ग 15। तो क्या इस बजट के अंदर ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है या फिर इससे बेटर ऑप्शन मिल जाता है इस बजट के अंदर, क्या इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो सबसे पहले बात करते हैं इसके CPU की। इंटेल का 12 Gen का i5-12450H CPU मिलता है, और इसी बजट के अंदर अगर दूसरे गेमिंग लैपटॉप की बात करें तो i7 मिल जाएगा, बट जो ग्राफिक कार्ड है वो RTX 4050 नहीं मिलेगा। CPU अच्छा मिलेगा तो ग्राफिक कार्ड अच्छा नहीं मिलेगा, ग्राफिक कार्ड अच्छा मिलेगा तो CPU अच्छा नहीं मिलेगा। इसमें 16 GB रैम है, 512 GB SSD है। अब बात करते हैं इसके मेन अट्रैक्शन की, जो कि है ग्राफिक कार्ड। RTX 4050 6 GB VRAM के साथ में आता है। अभी ये जो ग्राफिक कार्ड है इसकी जो पावर है उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, यानी 35 वॉट से 115 वॉट तक जा सकता है। अब इस लैपटॉप में कितने वॉट TGP के साथ में ये ग्राफिक कार्ड आता है उसके बारे में इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, और यही बात मुझे बहुत ही गलत लगती है। अगर किसी लैपटॉप में कोई कमियां हैं तो उसे डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर मेंशन नहीं करा जाता है, डिस्क्रिप्शन में बस उसकी हाईलाइट को दिखाया जाता है और बाकी सारी जो है स्पेक्स वो गायब कर दी जाती हैं, लेकिन पता तो लग ही जाता है। तो ये जो ग्राफिक कार्ड है ये आता है 45 वॉट TGP के साथ में, जो कि बहुत कम है। तो इस बजट के अंदर अगर RTX 3060 ग्राफिक कार्ड के साथ में जाएंगे तो वो आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे देगा इस वाले ग्राफिक कार्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके TGP बहुत कम है। हाँ, ये जो ग्राफिक कार्ड है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, इसमें जो पावर एफिशिएंसी वो बहुत बढ़िया है, और इसमें AI फ्रेम जनरेशन का फीचर भी मिलता है। अगर कोई गेम उसे सपोर्ट करता हो तो उसमें आपको थोड़े से ज़्यादा फ्रेम रेट देखने को मिलेंगे, वो फ्रेम रेट को इंक्रीज कर देता है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं इस लैपटॉप का जो वेट है 1.98 kg का है, तो इसकी जो TGP है वो कम है, तो इसीलिए जो कूलिंग सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो क्या 98,000 के अंदर इस लैपटॉप को लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। i7 के साथ में मिल जाएगा, RTX 3050 Ti के साथ में। अगर RTX 3050 Ti के साथ में भी जाएंगे और उसकी TGP 95 वॉट की रही तो वो भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा इस लैपटॉप के कंपैरिजन में। तो इस लैपटॉप के साथ में बिल्कुल भी नहीं जाना है, इसका प्राइस ज़्यादा है। हाँ, अगर इसका प्राइस फ्यूचर में कम होता है तो आप इस लैपटॉप के साथ में जा सकते हैं, बट अगर आपको 6 GB का ग्राफिक कार्ड ही लेना है तो इस बजट के अंदर RTX 3060 का ग्राफिक कार्ड इजीली मिल जाता है, उसके साथ में जा सकते हैं, वो आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे देगा। तो इस लैपटॉप में बस नाम का ही RTX 4050 ग्राफिक कार्ड मिलता है, अगर इसकी TGP अच्छी होती तो इसके लिए आप जा सकते थे। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी को रिप्लाई करता हूँ। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि जब भी कोई लैपटॉप से रिलेटेड डील आती है तो मैं वीडियो बना के वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। अगर आपको लैपटॉप बाइंग गाइड चाहिए तो भी आप वहाँ पर मुझे DM कर सकते हैं। तो मिलता हूँ ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।